कर्फ्यू को देखते हुए होशियारपुर पठानकोट गुरदासपुर सीमा पर पुलिस ने पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते डीएसपी मुकेरिया रविंदर कुमार ने बताया कि कर्फ्यू के चलते कोई भी व्यक्ति किसी राज्य या जिले में बिना अनुमति के आ जा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौशहरा पुल से खड़े हैं जिड़ी कि गुरदासपुर की हद लगती है और उन्होंने क्लीयर कट कहता कि विदाउट पास कोई भी इतों पास नहीं होएगा। एमरजेंसी कोई भी है जी खाने की चीज़ है कोई फीडर है उन्होंने अलाउ किया जाएगा, बाकी इतने कोई भी विदाउट पास बिल्कुल नहीं इतों एंटर करेगा। तबलीगी जमात को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बड़ा बयान सामने आया है। वसीम रिजवी ने कहा कि तबलीगी जमात ने हिंदुस्तान का भरोसा तोड़ दिया है, देश पर कोरोना का अटैक किया है। तबलीगी जमात ने मोदी जी की दुश्मनी में हिंदुस्तान का भरोसा तोड़कर हिंदुस्तानियों पर कोरोना वायरस का अटैक किया है। हर शख्स को होशियार रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति इस्लामिक दाढ़ी रखे हुए और उसके मूछें ना हो और आपके पास आए तो आप उससे कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर बात करें। यह एहतियात करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा शराब के ठेकों को बंद करने के बाद अब शराब माफिया शराब की तस्करी में लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की। तस्करी के लिए ले जाई जा रही इन शराब की कीमत तकरीबन 10 लाख आंकी जा रही है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रात को 2 पिकअप गाड़ियों में शराब पकड़ी गई है, जो जिसमें 300 पेटी शराब देसी, 84 पेटी शराब अंग्रेजी व 21 पेटी बियर हैं, जो 2 पिकअप गाड़ियों में भरी हुई थी, जिनको काबू किया है। इनमें राजेश नाम का युवक और दीपक नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। इनको पुलिस रिमांड पर लेकर और आगे पता लगाया जाएगा कि शराब कहाँ लेकर जा रहे थे। कितनी बड़ी खेप मानते हैं सर, कितने कीमत की होगी है? इनकी कीमत लगभग 10 और 11 लाख रुपए के बीच में है। और कितनी बड़ी खेप इसे मानते हैं, क्योंकि शराब बंदी है, शराब के ठेके पूरे प्रदेश में बंद है, कहाँ इनको ले जाया जा रहा था? लॉकडाउन के बावजूद भी शराब के ठेके बंद है, उसके बाद भी तस्करी शराब तस्करी में लगे हुए हैं। इनके पीछे पुलिस टीम लगी हुई थी और जिनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे लोग जो गंदा खेल खेल रहे हैं, क्या पुलिस आगे भी इन पर बड़ी कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों? हाँ, इस मामले में तहत तक पहुंचा जाएगा, इनका पुलिस रिमांड लेकर और जो इनके पीछे हैं उनका भी पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये मान के चलें पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में और किसी भी ठेके पर इस तरह के अवैध धंधे नहीं होने देगी? हाँ बिल्कुल, पुलिस इस प्रकार के अवैध धंधे बिल्कुल नहीं होने देगी और पुलिस का हर समय प्रयास है कि इस प्रकार की तस्करी ना होने पाए और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालना की जाए। लुधियाना के बहादुरगढ़ रोड पर जेपी नेटवेयर 5 मंजिला फैक्ट्री में देर सुबह आग लगने से फैक्ट्री में पड़ा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जेपी नेटवेयर है बहादुर के रोड, 5:15 बजे के नेड़े अग लगी थी, असी गड्डियां लेके आए थे, अग ते काबू पा रहे। फैक्ट्री है हौजरी दी, अग काफ़ी है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। गड्डिया तकरीबन 8-9 लग चुकी हैं, अजे होर लगनी है, 4-5 घंटे लगन के अग बुझाने।